नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। लगातार प्राइवेट स्कूल की मनमानी और कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को, यानी माता पिता को। वही ट्रेंड चल रहा है जिस तरह डायरेक्टर स्कूल कश्मीर ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी स्कूल स्पेसिफिक दुकान अगर रिकमेंड करेगा या दुकान पर जाने के लिए पेरेंट्स को कहेगा, उन पर कार्रवाई होगी। कल एक आदेश तो निकलता है, पर वो आदेश भी गोलमोल तरीके से निकलता है। उन पर कोई नहीं कहा कि अगर इन रूल्स को कोई वायलेशन करेगा तो उन स्कूल्स पर भी कार्रवाई होगी। पर सब चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स कितनी परेशानी का सामना करने पड़े। इस समय भैया ही हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। ये भी यहाँ पहुँचे हैं, पर क्या इशू है भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विक्की है। तो मेरा बच्चा योग जी में पढ़ता है, तो सुबह मैं स्कूल में कॉल करता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि बच्चे की बुक्स लेनी है तो कहाँ से लेनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कच्ची छोनी में चले जाओ, वहाँ पे साहित्य संगम नाम की दुकान है, वहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो मैं अभी जब टाइम निकाल के यहाँ पे आता हूँ बुक्स लेने के लिए, तो मुझे सिर्फ हाथ में दो बुक्स पकड़ाई जाती हैं और बताया जाता है कि बाकी की दो बुक्स 10 दिन के बाद आएंगी। तो मैं स्पेशली टाइम निकाल के आता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था अभी कि मुझे यहाँ पे आने का क्या फ़ायदा। यहाँ तो मैं 10 दिन के बाद ही आता, अगर मैं अभी आया हूँ तो मुझे मतलब पूरी बुक्स मिलने चाहिए थी। जब पूरी बुक्स इनके पास है ही नहीं तो फिर मतलब ऐसे स्कूल वाले हमें बेचते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं आपका बच्चा? मेरा बेटा DBN में पढ़ता है। तो अभी फिर मैंने फिर अभी कॉल करी स्कूल में, तो मैंने कहा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि यहाँ पे बुक्स हैं या नहीं है। तो मैंने दुकानदार से पूछा, ये बोलते हमने स्कूल में बताया कि अभी पूरी बुक्स नहीं है। तो फिर स्कूल वाले या फिर झूठ बोल रहे हैं या फिर दुकान वाला झूठ बोल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगर ऐसा कुछ हमें कोई एक ही दुकान बतानी है तो इसके लिए, या फिर आप ऐसा करें कि स्कूल वाले ही बुक्स सारी रख लें। हमने वैसे भी बाहर से भी लेनी है, कहीं से लेनी तो है, तो भाई ये तो पैसे इनको देने, तो हम स्कूल को ही दे देंगे, हमारा टाइम बच जाएगा इससे। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि ऐसा कुछ होता तो है नहीं, जो मतलब आदेश जो जारी करती गवर्नमेंट। कितने की आई है? ये मुझे 450 की बताई गई दो बुक्स, जिसका प्रिंट रेट एक बुक्स का है 225। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि प्रिंट रेट पे बेच रहे हो? जब मैंने ऐसे बोला, पहले बोला जाता कि 450 दो, जब मैंने बोला कि प्रिंट रेट पे है, फिर कहते 20 रुपये कम दे दो, तो 430 की दी। 430 दो किताबें। तो अगर स्कूल बात करें, देखा जाए तो जैसे एक प्रावधान बनने शुरू हो चुका है सरकार की तरफ से कि NCERT की बुक्स लगेगी, सारे स्कूलों में लगनी चाहिए जितने भी स्कूल हैं, तो आप उससे क्या मुत्तफिक हैं? क्योंकि NCERT की अगर बात करें, बड़ी सस्ता वो सेट आ जाता है। अगर बाकी केंद्रीय विद्यालय की या हम कहेंगे KV स्कूल की बात करें या नवोदय विद्यालय की बात करें, उनमें लगभग अगर बात करें तो 10वीं क्लास के बच्चे का 1000 रुपये का सेट आता है। तो आप अगर इस तरह का प्रावधान सरकार बना रही है तो पेरेंट्स के लिए कितनी राहत होगी? मैम, अगर सरकार कुछ ऐसा बनाती है तो काफ़ी राहत मिलती है पेरेंट्स को, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार, या तो खुद डील दे रखी है उन्होंने या सरकार क्या चाहती है उनका, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। यानी छोटे छोटे बच्चों की 26 किताबें, इवन के जब पहले की बात करते एक आदेश निकला था छोटे बच्चों को इतनी बुक्स नहीं लगेंगी, यानी LKG तक या UKG तक, उसके बाद जो बुक्स लगेंगी उसके बाद भी लगातार रूल को तोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डील तो दी हुई है, आप भी जानते हैं। मैम, बुक्स तो उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया, मुझे यही बताया कि UKG की 4 ही बुक्स हैं, तो 2 मैं ले चुका हूँ, 2 पता नहीं अब कब आएंगी, तो बुक्स तो शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। तो कहीं और से पता कर लेना था ना आपने। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो मुझे नाम बता दे, मैं कहीं और भी पूछूँ कि वो बुक्स क्या इन्हीं के पास ही आएंगी या इनके लिए बनती हैं इसी दुकान के लिए, ऐसी वो कौन सी बुक्स है जो और कोई नहीं बेचता। बिल्कुल, तो वो तो दुकान स्कूल वाले ही बता सकते हैं कि ना हमें वो नाम बताया कि बुक्स का कोई नाम बताया, एक ही बताया कि सीधा बताया वहीं पे जाएं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सेट पहले से रेडी रखे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे पेरेंट्स आते हैं, स्कूल का नाम बताना है, क्लास बतानी है, तो इन्होंने सेट उठाना है, तो दो इतने पैसे तो कोई काम नहीं। क्योंकि कई लोग ने ये भी कहा कि हमने कहे ये वाली बुक्स नहीं चाहिए, ये है हमारे पास, तो वो कहते नहीं लेना तो सेट ही लो। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो नहीं ली, मेरे पास पहले कोई पढ़ी नहीं थी। ऐसा दुकान का क्या सिस्टम है वो मैं नहीं जानता। सेट तो खरीदना ही पड़ता है। हाँ, सेट जो मतलब जितना जो नया जो लेना है वो तो लेना ही पड़ेगा। अब जैसे 4 बताया उन्होंने, 2 दे दी, 2 अब बोलते हैं कि 10 दिन के बाद आना जी। अब वो भी पक्का पता नहीं है कि 10 दिन के बाद मिलेंगी या नहीं। आप एज ए पेरेंट LG एडमिनिस्ट्रेशन से या कहेंगे जो एजुकेशन विभाग के आला अधिकारी, उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं अपने बोर्ड वालों से या मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि सर देखिए, एक दुकान मत रखिए, अगर रखनी है तो सीधा ऐसा होना चाहिए कि स्कूल वाले लिख के दे दें कि ये वाली बुक्स ले लो, आम हर दुकान पे मिल जानी चाहिए। या फिर अगर आपने ऐसे ही सिस्टम चलाना है तो सिंपल ऐसा करिए कि ये जो बुक्स हैं ये स्कूल पे ही रख दें, तो हम सीधे काउंटर खोल लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, या तो स्कूल वाले ही बेच दें, हमने पैसे तो देने ही हैं, जो इनको देने हम स्कूल को दे देंगे, तो वहीं से ले लेंगे, हमें भी आसानी हो जाएगी। साफ तौर पर एक पेरेंट ने हिम्मत की है बोलने की, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार इसकी आवाज़ उठा रहा है, और इस समय हम सहिता संगम जो बुक सेलर है उनके बिल्कुल बाहर है। बुक सेलर का कोई कसूर नहीं इसमें, हम साफ तौर पर कहेंगे ये है
स्कूल वालों का जो कि रिकमेंड करते हो, और यही बुक्स यही क्यों मिलेंगी? या तो ओपनली सारी बुक्स जो स्कूल्स हैं सारी दुकानों को अलो कर दे कि बुक्स बेचे, पेरेंट्स एक नहीं तो दूसरी दुकान से मिल जाएगा, एक दो एक दिन मिलेंगी और 10 दिन के बाद दो और मिलेंगी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हरासमेंट हो रही है जनाब। LG एडमिनिस्ट्रेशन से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कहेंगे सर कोई भी अगर आदेश निकालते हैं तो उसका स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है, क्लियरली कोई आदेश निकाले जिस तरह से डायरेक्टर स्कूल कश्मीर ने निकाला है, तो आप भी निकालिए क्योंकि पेरेंट्स को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।